मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। जब से उसके मन में साजिश चल रहा हो मैं तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था, फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। सीमा हैदर और अंजू, ये वो दो महिलाएं हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, फिर क्या हिंदुस्तान और क्या पाकिस्तान। फिलहाल बात करते हैं अंजू प्रसाद की, जो शादीशुदा हैं और दो बच्चों की मां हैं। हंसता खेलता परिवार था, लेकिन फिर अंजू पड़ गई सरहद पार किसी के प्यार में। शख्स का नाम है नसरुल्ला। अब प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते, दसियों झूठ बोलकर अंजू पहुंच गई सीधा पाकिस्तान नसरुल्ला के पास। सुर्खियों में भी आ गई, प्री वेडिंग फोटोशूट भी करा लिया और शायद अंजू से फातिमा भी बन गई। कई जगह कहा जा रहा है कि दोनों ने निकाह भी पढ़ लिया है। जब सबका ध्यान अंजू की प्रेम कहानी सुनकर चटकारे लेने में लगा है, तो इन सबके बीच में अंजू के पिता का बयान सामने आया है, जिसे सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। सुनाते हैं अंजू के पिता गया प्रसाद का वो बयान। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा हो मैं तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था, फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। आपकी दामाद से बात हुई होगी? नहीं, मेरी कोई दामाद से बात नहीं हुई। आपने बताया था कि उनसे बातचीत चल रही है? नहीं, दामाद से मेरी आज सुबह मतलब उसका फोन आया था लड़के का, तो वो कुछ वीडियो पर भेज रहा था मेरे पास कि वो ऐसे ऐसे सगाई हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, बस इतनी सी बात हुई थी। वीडियो उसने वहाँ से जारी करी है? कहाँ से? शादी के, जो शादी करी उसने पाकिस्तान से वीडियो जारी की है, वो आपने देखे भी है? हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप कर रहे तो कर रही तो करने दो, अब कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। क्या पहले से कुछ ऐसा अंदेशा था आप लोगों को भी ऐसा कोई कदम उठा सकते? नहीं, मुझे तो कोई अंदेशा नहीं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को, क्योंकि हमारी बात नहीं है ये, पूरे भारत देश की बात है ये। इस तरीके से लड़कियां अगर करती हैं और ऐसे किया है, वो बहुत एक शर्मनाक बात है, एक शर्मसार होने वाली बात है। दो बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। कल आपने एक बात बताई थी, बच्ची सनक भी जाती है, सनक के टाइप की है। वो तो अगर ऐसी नहीं होती तो फिर ऐसे कदम क्यों उठाता वो? वो मेंटलिटी उसकी ठीक नहीं है, वो जिसके मेंटलिटी गिरी हुई होती है वो सनक टाइप की होती है। उसने मन में आ गया है मुझे ये जो करना है, जो करना है तो करना है। उसके लिए आप कितना भी मना, मैंने कई बार मना किया, कोई कार्य के लिए मना किया तो वो नहीं मानता, हाँ 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 करेगा, पर करेगा उसी को फिर। तो इसको मैं क्या कह सकते हैं, सनक टाइप का मतलब स्वभाव है। अब आपका क्या रिश्ता रहेगा उससे? नहीं, मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन वो इधर से निकल गया, जिस दिन वो अपनी ससुराल से बाहर गया है बिना पूछ करके। और हमारे पत्नी को भी खबर नहीं है, हमारे किसी को खबर नहीं है। तो उसी दिन से हम इस बात से तो बहुत नाराज हैं कि अपने दोनों बच्चों को छोड़ के क्यों गया और ऐसा कदम क्यों उठाया, बहुत शर्मसार होने वाली बात है। मैं तो अपने आप को कोसता हूँ कि मैं ऐसी बेटी का बाप क्यों हुआ इस दुनिया में, मुझे तो इस बात से भी शर्म आ रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।